अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त ठीक होंगे। आज की हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरह अपने फेसबुक पेज से अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट के ऊपर अपनी पोस्ट कर सकते हैं। इसका ये मकसद ये है कि हम अगर एक ही पोस्ट बनाएं अपने वही फेसबुक पेज के लिए, वही हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए, ठीक है, हम अपने फेसबुक पेज को इंस्टाग्राम के साथ लिंक कर दें और उसको जब हम पोस्ट करें तो दोनों में हो जाए। उससे ये होगा कि हमारा टाइम भी बच जाएगा और दोनों में पोस्ट भी हो जाएगी, ठीक है। फर्स्टली उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने करना है अपना सेटिंग, अपने पेज पे पहले आ जाना, ठीक है। पेज को खोलने के बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आ रहा होगा सेटिंग, आप सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आपका आ रहा होगा इंस्टाग्राम। जब आप इंस्टाग्राम ओपन करेंगे, यहाँ पे आपने अपने अकाउंट को इंस्टाग्राम के इसके साथ लिंक करना है। यहाँ पे लिखा हो रहा होगा कनेक्शन, ठीक है। अभी देखें ना, डिसकनेक्ट है ना, वहाँ पे कनेक्ट लिखा आ रहा होगा, ठीक है। आप जब कनेक्ट करेंगे तो आपने सिर्फ अपना लॉगिन डिटेल, यूज़र नेम देना और अपना पासवर्ड देना है, ठीक है। आपका यूज़र नेम ये है, आपका ईमेल जो भी होगा वो आप देंगे और अपना जो है लॉगिन उसके अंदर कर लेंगे। जब लॉगिन कर लेंगे आप इधर, उसके साथ कनेक्शन आपका बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल अपने, मैं इधर चले जाता हूँ लेटेक इंटरप्राइज वापस, यहाँ पे ये देखें, ये मेरे पे प्रोफाइल है, मैं आपके सामने पोस्ट करूँगा, वो इधर भी हो जाएगी, पेज पे भी हो जाएगी। अभी मेरे पेज पे चल रही है, मैं फॉर एग्जांपल करता हूँ यहाँ पे, आप पोस्ट करने के लिए मैंने क्या करना है, यहाँ पे है आपका पब्लिशिंग टूल्स, मैंने इस पर क्लिक कर देना। ये पब्लिशिंग टूल्स के अंदर मैंने क्या करना है, अपनी पोस्ट क्रिएट करनी है। यहाँ पे देखें आ रहा है, चेक अनचेक कर सकते हैं हम, चेक भी कर सकते हैं। अगर सिर्फ इंस्टाग्राम पे करना चाहते हैं हम यहाँ से वो भी कर सकते हैं, अगर खाली पेज पे करना चाहते हैं हम इसको रिमूव कर देंगे, दोनों पे करना चाहते हैं वो भी हो सकता है, ठीक है। हम यहाँ से अपनी कोई इमेज सेलेक्ट कर लेंगे, ऐड फोटो पे डाल के क्लिक करके हम अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे। मैं इधर से अपनी कोई इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल ये करता, इसके साइज का इशू है, मैं इसको कोई और इमेज आप देखता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक मैंने अपना इमेज सेलेक्ट की है, ये मेरी इमेज हो गई। अब वो बता रहे हैं कि आपके पास शो कैसे हो रही है, अगर आपने इंस्टाग्राम पे जाना है तो ऐसे शो हो रही है, ठीक है, यहाँ पे राइट साइड पे फेसबुक पे है तो ऐसे शो हो रही है। उसका टेक्स्ट कोई लिखना है, यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखूंगा, अगर सेपरेट टेक्स्ट लिखना है, वर्स फेसबुक का अलहदा टेक्स हो, इंस्टाग्राम का अलहदा टेक्स हो, मैं इधर उसका लिख दूंगा और उस हिसाब से इसको इधर लिख दूंगा है। लेकिन अगर मैंने दोनों का सेम ही लिखना है, मैं यहाँ पर लिख दूंगा, वो ऑटो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ, ठीक है जी, हाई क्वालिटी लेदर स्की ग्लव्स अवेलेबल फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान टू वर्ल्ड। वो साइट, अब मैं इसको साइट पे क्लिक करूंगा, आप ये देखेंगे इनके पास खुद चेंज हो जाएगा, ये अभी रिव्यू दे रहा है, ये मेरे पास इस तरह शो होगा, ठीक है। अगर मैं इंस्टाग्राम पे भी जाऊंगा इस तरह शो होगा, अगर मैं इंस्टाग्राम पे अपना साथ में वो बायो का प्रोफाइल का लिंक देना चाहता हूँ, वो अलहदा थोड़ा सा हो जाएगा, इसका मैं लिख देता हूँ आगे,
मैं अपने बायो का दे देता हूँ, मैं देख लेता हूँ, मेरा यूआरएल यही है, बिल्कुल यही है मेरी तरफ से, चाहे अगर स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसको जिस तरह हम कह देते हैं कि फॉर डिटेल कर लें या कोई भी चीज़ है, हम लिख लेते हैं फॉर डिटेल्स, हमारे इधर आप चले जाएं, ठीक है। अगर साथ में अपना हम एक आइकॉन डाल लेते हैं, इसको हम स्टार्ट में डाल लेते हैं, या इसको फॉर डिटेल की जगह ना आइकॉन ही यूज़ कर लेते हैं। इसको रिमूव करके ये, और इसको हम स्टार्ट में ले आते हैं, स्पेस दे देते हैं, इसको हम यहाँ पे इस तरह लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, और ये फेसबुक में ये चीज़ नहीं आएगी, ठीक है। हम सिंपल ये इधर हो जाएगा, और अपना हम अगर अपना यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं, ठीक है। हमने सिंपल अपनी वेबसाइट का लिंक दे दिया, और यहाँ पे ये लिंक प्रीव्यू अगर हम करना चाहें, ठीक है, नहीं ज़रूरत नहीं है। ये इस तरह यहाँ पे हमारा शो होगा फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम पे हमारा शो होगा इस तरह, ठीक है। अगर हम इनमें हैशटैग भी डालना चाहते हैं, सेपरेट सेपरेट होते हैं, ठीक है, हम इसमें डाल सकते हैं कि ये क्या बात हो रही है जी, अपनी इसकी बात हो रही है, साथ में जो है सिंपल ये कर लेते हैं और ये कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंपल ये कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह करके हैशटैग हम कर लेते हैं दोनों में, चाहे अभी के लिए हम वो इस एक डाल लेंगे, जब हम मतलब वैसे प्रॉपर करें तो वह हर एक के लिए अदा होती है। ये हमारी चीज़ हो गई, हमने अभी दोनों चेक किए हैं। हम यहाँ पे पब्लिश भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे अपनी पोस्ट को स्केजुल भी कर सकते हैं कि अभी नहीं, किस दिन करनी है, किस टाइम करनी है, उसको हम सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पब्लिश पे क्लिक करता हूँ। आपने देखा इंस्टाग्राम की पोस्ट का अलग था फर्क है, फेसबुक में लिंक है, इंस्टाग्राम पे आपकी बायो की तरफ वो लिंक जा रहा है, तो प्रोफाइल की तरफ। तो अब ये देखते हैं, ये अभी हमारी पोस्ट हो गई है, ये देखें, ये हमारी फेसबुक पे पोस्ट हो गई है। अब हम इंस्टाग्राम अपने अकाउंट पे आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, ये यहाँ पे भी हो गई है, ये आप देख सकते हैं, इसका यहाँ पे वही चीज़ जो हमने वहाँ पे टेक्स्ट किया था वो यहाँ पे आ गई है सेम उसी तरह, और जो यहाँ पे है वो भी हमारे पास शो हो रही है। अगर हम यहाँ अपने पेज पे चले जाएं, ये देखें, ये हमारे पास आ चुकी है। तो ये था हमारा मेथड जो कि हम अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं, दोनों में पोस्ट करने की बजाय सेपरेट सेपरेट उधर ओपन करना उधर करना, हम एक ही साथ उधर पब्लिश कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।